मेरा नाम है लक्ष्मण राम जी और रहना सी है बाडली और पंचायत दूतावास तहसील टोटड़ा जिला उदयपुर। और आज के हमने एसडीएम को रिपोर्ट देने के लिए किया, तो एसडीएम नहीं होता हो, तहसीलदार साहब हो तो, और फिर हमारी रिपोर्ट लिया है और अगल तक पहुँच आएगा कलेक्टर तक, ठीक है ना, कलेक्टर तक पहुँच आएंगे यूँ करके इनको। तो आप अकेले गए थे? तो हमने क्या है पौष दिन में हमारा ये होना सही है और नहीं हुआ है तो हमें भूखोदन न लगा रहे यहाँ कोटड़ा में, ऊपर ऊपर तक हम जाएंगे राज्यपाल तक, ये हमने वायदा किया है। और फिर तो बाकी इनको आशीर्वाद किया है कि हम सब सारे करेंगे, अभी अभी रिपोर्ट भेज देंगे और फिर तक पहुँच आएंगे इनका। और फिर हम डिप्टी साहब ने वहाँ किया तो भी इनको रिपोर्ट दिया है, तो इनको हमने मुंह ना आया हूँ और फिर ये मामला में सुना है तो आपको मैं करेंगे मैं, ठीक है, तो आपके शांति करवाएंगे और सारे इनको अंदर कर देंगे यूं करके इनको वायदा रखा है, पसंद दिया है। अच्छा, तो ये कब तक मामला मतलब करेंगे? हमने तो किया है हमारे ये 5 दिनों में होना सही, यानी कि रावणा वाले समय वाला हमने इलेक्शन के बिल्कुल ही नहीं देंगे, हमारा 2000 वोट है वो कोई देने वाला नहीं है, नहीं है दे कांग्रेस को, नहीं दे के बीजेपी को, ये हमने ज्ञापन में क्या लिखा है? हमने लिखा है यही लिखा है। अच्छा, एक तो वोट नहीं देंगे और दूसरा क्या लिखा? दूसरा तो ये इनको पाबंद करें और इनको ये जेल में भेजेंगे, ये हमने लिखा है। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? ये इनको तो आश्वासन दिया है कि इनको जे है उनको हमने अंदर कर देंगे, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई चालू है, और कर साहब ने भी यही बोला है। ये इनको जवाब दिया है सर। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में जो जिस व्यक्ति की वजह से आप परेशान हैं वो यही है या यहाँ पर नहीं है? यहाँ पे ही है। हाँ सर, वो हमको तो देखो ये इनको आश्वासन तो दिया है पर मतलब होगा नहीं होगा तो हम अबे और अगल तक राज्यपाल तक जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं। अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के लिए आप गए थे, जिस व्यक्ति के विरोध में आप लोग ज्ञापन देने गए इतने सारे लोग इकट्ठे होके, तो वो व्यक्ति यहाँ पर है या नहीं है? सर यहीं पर है, हाँ, जो कि हम पुलिस वाले सुबह आए थे हमारे गांव में। आज की मतलब हिस्ट्री आपको बताता हूँ मैं। आज सुबह पुलिस वाले आए थे, सरदार साहब सहित पुलिस जवान थे, सब साथ में थे जी। और इसके बाद में पुलिस थानेदार साहब ने सब आए थे तो हमारे को ये बोला कि आपके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई करते ही हैं। तो इसके बाद पुलिस वालों ने वार्तालाप करी और हमारे गांव वालों से मतलब बातचीत करी कि हम उसके बारे में भागदौड़ी करते ही हैं। और जब भी मतलब आपको कहीं दिखे, कहीं मतलब जंगल में दिखे, कहीं किसी के मकान पे देखे, कहीं किसी जगह आप देख जाओ तो हमारे कॉल करो, कॉल करना यूं करके हमारे को बताया। इनके बाद मैं अजीत कुमार और दीपक कुमार भीखा भाई तीनों को हमारे को मौके पर ले जाने के लिए पुलिस ने बोला था, तो हमारे को पुलिस की गाड़ी में बिठा के ले गए जी। ले जाने के बाद जहाँ मौका था वहाँ घटना हुई, जिस जगह हमारे को गाड़ी रोकी नहीं और सीधी उस हमारे को मारने वाले आदमी के घर पे गाड़ी, रणिया देवा के घर पे गाड़ी रुकवाई जी। तो रणिया घर पे ही था, पुलिस उससे बातचीत करी, फिर गाड़ी में से थानेदार साहब उतरे और जवान भी उतरे उनके साथ, फिर पुलिस और थानेदार साहब तीनों मतलब 4-5 जने गए थे और रणिया के सामने आमने सामने मिलके बात कर रहे थे। अच्छा, तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, ये हमारा हम आंखों देखे की बात है भाई साहब। तो पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, क्या लगता है आपको? तो रणिया के साथ में तो पूरी गैंग थी और पुलिस वाले थानेदार साहब खुद उनके मिले हुए है ना सर। अच्छा, तो कौन से थानेदार? ये मांडवा वाला, पुलिस थाना मांडवा से थानेदार साहब थे जो कि रणिया के आमने सामने बात कर रहे थे। और हमारे को तो थानेदार साहब यूं बताते हैं कि रणिया हम देखते ही नहीं है और पसंदते भी नहीं है, और रणिया जाते हैं हम राउंड लगाने जाते हैं तो मिलते ही नहीं है, यूं बताते हैं। तो अभी आपको हमारी चैनल कोटड़ा टाइम्स से बहुत सारे अधिकारी सुन रहे, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि थानेदार साहब अगर इनकी कार्रवाई नहीं करे तो बाकी कौन कर सकता है? इनके आगे से आगे इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना होता है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिकारियों तक पहुंचना सही है और इनको गिरफ्तारी की जावे जी। ओके, थैंक यू। हम ये कहना चाहते हैं और मतलब हमारा तो खास ये है कि इनको गिरफ्तार करना ही सही है, और थानेदार साहब उनकी गैंग के साथ में है तो कहां से गिरफ्तार करेगा? तो अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है या सरकार ऐसा नहीं करती है तो आप लोग क्या करेंगे आगे? हम तो ये करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर
हमारे जितने भी मतलब कुदरमारिया पाटली खारा पडला इन चारों गांवों के वोट नहीं डालने देंगे और नहीं डालेंगे, ये हमारा निर्धारित कर दिया है हम लोगों ने जी। और आप लोग कुछ बता रहे थे कि 5 दिन के बाद कुछ धरने पर भी बैठने वाले हैं, तो हमने ये तहसीलदार साहब को भी डिप्टी साहब को भी ज्ञापन में यही बोला है कि अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया तो 5 दिन का हमने उसको टाइम दिया है, अगर 5 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम 6ठे दिन तहसील कार्यालय के उपखंड कार्यालय के सामने हम धरना देके बैठ जाएंगे, जब तक हमारा निर्णय हुआ जब तक नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे। ओके थैंक यू।